है वो अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए कोशिश की है, अब उनकी धर्मपत्नी जीत गई है। मैं ये चाहूंगा कि जो घोषणाएं की हैं उनको जमीन के ऊपर उतारा जाए ताकि डेरा की जनता को भी ये लगे कि किसी ने उनकी सुध ली है। नीति आयोग की जो मीटिंग होती है एक वर्ष के बाद, नीति आयोग में प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना है, प्रदेश की क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रदेश को किन किन चीजों की जरूरत है, इन सब विषयों के ऊपर नीति आयोग के अंदर बोला जाता है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष वहां रखने से इनकार कर दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें आप इलाके से जुड़ी कौन सी मांगे समस्याएं उठाने जा रहे हैं? मेरे इलाके के अंदर, क्योंकि मेरा क्षेत्र 103 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, इस क्षेत्र के अंदर जो जो काम एज ए मंत्री, एज ए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने किए हैं, चाहे उसमें फार्मेसी कॉलेज है, चाहे उसमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसके अलावा और कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर अच्छे तरीके से वो चले, शिक्षा का स्तर वहां अच्छा रहे, उसके लिए भी मैं इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज वहां पे बुलंद करूंगा। उसके अलावा जो हमने पाया है कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बार गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा रही है और वनों का जो है आग जो लगातार लगती रही है, उस विषय को मैं प्रमुखता से इस बार उठाने वाला हूं। ये जो इन सारे चीजों में जो लोग संप्रिप्त हैं, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे सरकार है, चाहे उसके ऑफिसर हैं, उनके बारे में विद फैक्ट एंड फिगर मैं उन सारे विषयों को विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो जिसके बारे में जो बोला जाता है कि हरा भरा प्रदेश है, उस हरे भरे प्रदेश को जिस प्रकार से जो काली नजर लगी है, इन सारे विषयों को विधानसभा के अंदर मैं उठाने वाला हूं। सर पिछली निश्चित तौर से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय जो है वो इस सरकार ने किया है। आज की तारीख में आपने सिटी स्कैन करवाना है तो टांडा में डेट 3 महीने के बाद मिल रही है, जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप हिम केयर को बंद कर देंगे तो टांडा के अंदर वो डेट 6 महीने या साल की पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है सारी की सारी व्यवस्था चिरमरा जाएगी। सरकार को इस विषय के ऊपर दोबारा से सोचना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।